सब्सक्राइब कीजिए स्माइल विद तनु चैनल को और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो में मैंने एक फेस पैक बताया है जो कि अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं या फिर आपकी स्किन अनइवन हो चुकी है या फिर आपकी स्किन में अगर टैनिंग बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से आपकी स्किन डल होती जा रही है तो ये फेस पैक आपके लिए है, आपको इससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, इस फेस पैक को मैंने बनाया है जीरे से। फ्रेंड्स, जीरा जितना हमारे खाने के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, उतना ही हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है। जीरे में फ्रेंड्स बहुत अच्छी मात्रा में बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से ग्लो करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इससे क्या रिजल्ट आया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फेस पैक हम बनाएंगे जीरे से। जीरे में फ्रेंड बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन होते हैं। विटामिन ई इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जीरा फ्रेंड एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, तो ये आपकी स्किन से जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उसे भी हटाता है, आपकी स्किन को क्लीन करने में बहुत ही अच्छा होता है। और ये एंटी एजिंग है तो आपकी स्किन में जो एजिंग के साइंस आने लगते हैं उसको भी ये ख़त्म करता है, स्किन को बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो यहाँ पे हम जो जीरा यूज़ कर रहे हैं उसे हम पीस लेंगे, उसे एक पाउडर बना लेंगे और अब हम इस पाउडर को इस बाउल में डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये लगभग एक चम्मच मेरा जीरे का पाउडर बना है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ मुलेठी का पाउडर। मुलेठी फ्रेंड्स हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मुलेठी से फ्रेंड्स हमारी स्किन में ग्लो आता है, स्किन में निखार पाने के लिए मुलेठी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे मुलेठी का पाउडर ले लिया है एक चम्मच और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ ग्लिसरीन को। ग्लिसरीन फ्रेंड हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और एक शाइन देगा। तो यहाँ पर एक चम्मच ग्लिसरीन डाल दी है और अब एक पिंच हम हल्दी को भी डालेंगे और अब इसका पेस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे रोज़ वाटर का यूज़ करेंगे। एक पेस्ट हम इसको बना लेंगे थोड़ा थोड़ा रोज़ वाटर डाल के। फ्रेंड्स, ये फेस पैक लगाने के बाद आपको अपनी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन लगेगी। फ्रेंड्स, इसको लगाने के बाद आपकी स्किन आपको बिल्कुल क्लीन लगेगी, चेहरे पर एक बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाएगा। इसको मैंने मिक्स कर लिया, फेस पैक मेरा तैयार हो गया है। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरी स्किन किस तरह की है और अब मैं इस फेस पैक को लगाती हूँ। तो आप यहाँ पे अपने हाथों से भी इसे लगा सकते हैं और चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं। इसे पूरे फेस पे बहुत अच्छे से आप लगा लें। और इसे लगाने के बाद आप इसे सूखने के लिए छोड़ दें। तो मेरा फेस पैक सूख चुका है और अब मैं इसे पानी से वॉश कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और आप मेरी स्किन में फ़र्क देख सकते होंगे। मैं यहाँ पे पोंछ लेती हूँ इसे। फ्रेंड्स, रेगुलर यूज़ करने से अगर आपकी स्किन में छोटे छोटे दाने हैं या फिर आपका अनइवन स्किन टोन हो गया है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एजिंग के साइंस आ गए हैं, ये सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा। आप इसे रेगुलर लगा सकते हैं हर दिन। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी स्किन में कितना फ़र्क आ गया है। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।